कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता का कहना है कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे हैं दुष्कर्म, यह महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री होश में आओ। जब से शिवराज सिंह की सरकार बनी है लगातार महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, शिवराज तुम शर्म करो, ऐसा महिलाओं का कहना है। देखिए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां भाजपा की सरकार है लगातार हाथरस का केस किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के भी इतनी बुरी हालात है कि कल आपके नरसिंहपुर की घटना है चिचली की, जहां 3 ने लगातार महिला अपने गैंगरेप की रिपोर्ट लिखवाने गई लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मजबूर होकर उस महिला को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा ही एक केस अभी 3 दिन पहले का खरगोन का है, और उससे पहले कल की ही खबर है कि एक जबलपुर में भी घटना घटी है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, एक घटना घटी है आपकी बटियागढ़ थाना आपके दबों में। तो लगातार मध्य प्रदेश की बिगड़ते हुए हालात भाजपा की सरकार में, जब से शिवराज सिंह की सरकार बनी है लगातार बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली मध्य प्रदेश की शासन की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, लगातार ये लोग बेटियों की बात करते हैं लेकिन इनकी सरकार में बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। चाहे हम हाथरस की बेटी के लिए बात करें कि हाथरस की बेटी के साथ जो हादसा हुआ है वो भगवान करे किसी की बेटी के साथ ना हो, अगर मुख्यमंत्री की बेटी होती या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री की बेटी होती तो ऐसे ही हालात होते कि उनको अपनी बच्ची का मुंह भी देखने नहीं मिला और उसका संस्कार कर दिया जाता है, आत्मसंस्कार कर दिया जाता है और उनके घर वाले आज भी कैद में हैं और पत्रकार हो या आम जनता हो उन तक पहुंच नहीं पा रही है। राहुल गांधी का आपने देखा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कितने प्रयासों के पास कल उनके पास मिलने पहुंचे हैं, तो हम सब लोग मिलकर उन बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है बिगड़ती हुई हालातों के लिए ऐसे मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हैं, और अगर इसी तरह के हालात रहे तो महिलाएँ सड़कों पर उतरेंगी, इनके पुतले भी जलाएंगी और इनको बर्खास्त करने की पूरी कोशिश भी रहेगी कि इनको कैसे इनके पद से हटाया जाए, और शर्मानी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को, अपने पद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।